वेल हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉलीवुड की टॉप 10 माइंड ब्लोइंग डिजास्टर मूवीज की, जिन्हें आप दुनिया की तबाही वाली मूवीज भी बोल सकते हैं। इन मूवीज में ना सिर्फ आपको इंटेंस लेवल का डिस्ट्रक्शन या तबाही देखने मिलेगी, बल्कि आप इनमें से कुछ मूवीज में ऐसी इमोशनल एंड दिल को छू जाने वाली स्टोरीज भी देखेंगे जो आपको हमेशा याद रहने वाली हैं। एंड मजे की बात तो यह है दोस्तों कि एक दो को छोड़कर ये सभी मूवीज आपको हिंदी में भी देखने मिल जाएंगी। इन मूवीज का डाउनलोडिंग प्रोसीजर आप ओवर आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं, वरना नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर इन सभी मूवीज को एक सिंगल क्लिक में डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करने की। तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का काउंटडाउन शुरू करते हैं। नंबर 10, स्काईफायर। ये मूवी हाल ही में 2019 में रिलीज्ड हुई थी एंड ये एक हॉलीवुड कम चाइनीज एक्शन डिजास्टर थ्रिलर मूवी है। मूवी की स्टोरी एक चाइनीज आइलैंड के अराउंड रिवॉल्व करती है, जिसमें एक आलिशान और विशाल रिजॉर्ट बना होता है एंड दूर दूर से टूरिस्ट वहां लोकेटेड एक एक्टिव वोल्केनो को देखने आते हैं। इसी रिजॉर्ट के अराउंड एक साइंटिस्ट की टीम काम करती है, जिनकी जिम्मेदारी है उस वोल्केनो पर नजर रखने की। लेकिन तब क्या हो जब उनका कोई पैतरा काम न करे और वो वोल्केनो इरप्ट हो जाए। तो इस मूवी में आप ऐसे ही वोल्केनिक इरप्शन देखेंगे जो उस आइलैंड पर फंसे सभी लोगों की जान के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। मूवी में आपको एक कमाल की स्टोरी भी देखने मिलेगी, जिसको देखकर आप मूवी की तारीफें करते नहीं थकेंगे। लेकिन बुरी खबर यह है कि यह मूवी सिर्फ चाइनीज और इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। नंबर 9, जियो स्टॉर्म। ये कमाल की मूवी रिलीज की गई थी 2017 में, जिसमें लीड रोल में आपको देखने मिलेंगे गेरार्ड बटलर। ये एक एक्शन साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे आईएमडीबी पर 5.3 की रेटिंग मिली है। और इस मूवी में आप देखेंगे क्लाइमेट चेंज का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कि इतने सालों से जो साइंटिस्ट क्लाइमेट चेंज बोल रहे हैं, उससे आखिर क्या हो सकता है। इस मूवी में आपको बहुत सारी तबाही, बहुत सारा थ्रिल और एक कमाल की स्टोरी देखने मिलेगी। इतना ही नहीं, मूवी में गेरार्ड बटलर की एक्टिंग भी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। लेकिन फिर बैड न्यूज कि स्काईफायर की तरह ये मूवी भी सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। पर फिकर नॉट दोस्तों, लिस्ट में आगे आने वाली सभी मूवीज आपको हिंदी में ही देखने मिलेंगी एंड हो सके तो इन दो मूवीज को भी जरूर देखना। नंबर 8, टाइडल वेव। इस मूवी को रिलीज किया गया था 2009 में एंड ये कोरियन एक्शन डिजास्टर मूवी है। एंड फिकर नॉट, ये कोरियन जरूर है बट आप इसे हिंदी में देख पाएंगे। इस मूवी को आईएमडीबी पर 5.6 की रेटिंग मिली है, जो कि हमें स्टोरी दिखाती है बुसान के हायुंडाई बीच की। इस मूवी में आपको एक ऐसी सुनामी देखने मिलेगी जो लोगों को तो छोड़िए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को अपने साथ ऐसे बहा ले जाएगी मानो कोई खिलौना हो। मूवी में आपको खूब सारा डिस्ट्रक्शन तबाही देखने मिलेगी, जिसे देखकर आपकी आंखें बस स्क्रीन पर गड़ी रहेंगी। अब आपको इस मूवी को देखकर यह पता करना होगा कि आखिर वहां के सभी लोग इस सुनामी से कैसे बचते हैं। नंबर 7, सैन एंड्रियास। ये मूवी रिलीज हुई थी 2015 में एंड आई एम श्योर आप में से काफी लोगों ने इस मूवी के बारे में ऑलरेडी सुन ही रखा होगा। लेकिन जो लोग इस मूवी के बारे में नहीं जानते, तो ये एक एक्शन एडवेंचर डिजास्टर मूवी है, जिसमें आपको लीड रोल में द रॉक और इंटरनेशनल क्रश अलेक्जेंड्रा डडारियो देखने मिलती है। इस मूवी में आप एक अर्थक्वेक की वजह से आई तबाही देखेंगे, जो की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बिल्कुल चकनाचूर कर देता है। मूवी में द रॉक भी अपनी बेटी को इसी भूकंप की चपेट से बचाते आपको नजर आएंगे, जिसका एक्शन देखकर आपको बहुत ही मजा आएगा। मूवी में आपको एक अलग ही लेवल पर तबाही होती दिखेगी, जैसी आखिरी बार हमने 2012 मूवी में देखी थी। नंबर 6, नोइंग। ये मूवी निकोलस केज के कैरियर की एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवी है, जो कि रिलीज हुई थी 2009 में। इस मूवी को आईएमडीबी पर 6.2 की रेटिंग मिली है एंड ये एक बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट के साथ बनाई गई डिजास्टर मूवी है। मूवी की स्टोरी प्रोफेसर जॉन के अराउंड रिवॉल्व करती है, जो कुछ नंबर्स की मदद से एक डिजास्टर सीक्वेंस बना लेते हैं, जिससे वो उस दिन क्या हादसा होगा और उसमें कितने लोग मरेंगे ये पता कर सकते हैं। शुरू में तो छोटे मोटे हादसे होते हैं जिनमें 100-200 लोग मरते हैं, जिस पर जॉन की बात का कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन अब कोई छोटी नहीं बल्कि बहुत ही बड़ी तबाही आने को है, जिसमें सिर्फ 100-200 लोग नहीं बल्कि लाखों लोगों की जान खतरे में है। अब कैसे जॉन अपनी बात का विश्वास सबको दिलाता है एंड उस तबाही से सबको कैसे बचाता है, ये जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। नंबर 5, डीप इम्पैक्ट। इस मूवी को रिलीज किया गया था 1998 में, जो कि एक क्लासिक एक्शन डिजास्टर मूवी है एंड इसे आईएमडीबी पर 6.2 की रेटिंग मिली है। मूवी में लीड रोल में आपको मॉर्गन फ्रीमैन और एलाइजा वुड देखने मिल जाते हैं और इस मूवी में आपको एक ऐसी स्टोरी देखने मिलेगी जिसमें अर्थ की ओर एक बहुत विशाल मीटियोर बढ़ रहा होता है, जो न सिर्फ ह्यूमन काइंड को बल्कि पूरी अर्थ को बुरी तरह तबाह कर सकता है। इसे रोकने के लिए यूएस और रशिया साथ मिलकर एक टीम भेजते हैं, जो उसे स्पेस में ही तबाह कर दे। लेकिन इसका अंजाम क्या होता है, ये आपको खुद मूवी देखकर पता लगाना होगा। मूवी में आपको खूब सारी तबाही देखने मिलेगी, जिससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि उनका मिशन कितने हद तक कामयाब होता है।
नंबर 4 द डे आफ्टर टुमारो, ये मूवी 2004 में रिलीज हुई एक कल्ट क्लासिक एक्शन डिजास्टर मूवी है जिसमें आपको द ग्रेट एक्टर जैक जिलनहॉल देखने मिलते हैं। मूवी का IMDb पर 6.4 की रेटिंग मिली है जो आपको अपनी स्टोरी से लिटरली अमेज कर देगी। मूवी में आपको जियोस्टॉर्म की तरह ही क्लाइमेट चेंज का एक एग्जांपल देखने मिलेगा जिसकी वजह से पूरी दुनिया अजीबोगरीब मौसम के चपेट में घिर चुकी है। कहीं काफी दिनों से बहुत तेज बारिश हो रही है जिसकी वजह से दुनिया की कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, तो कहीं तापमान इतना गिर चुका है कि इंसान जम जम कर बर्फ बनते जा रहे हैं। इसी बीच जैक हॉल अपने बेटे सैम को जमा देने वाली ठंड में भी ढूंढने निकलता है, एंड क्या वो उसे ढूंढकर बचा पाता है, ये सभी डिटेल्स आपको मूवी देखकर खुद पता लगानी होगी। नंबर 3 वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, इस मूवी को रिलीज किया गया था 2005 में जिसमें लीड रोल में आपको देखने मिलेंगे टॉम क्रूज। ये मूवी इस लिस्ट की इकलौती एलियन इन्वेजन वाली मूवी है जिसमें आपको काफी धमाकेदार फाइट्स और एपिक लेवल का डिस्ट्रक्शन देखने मिलेगा। मूवी की स्टोरी काफी हद तक 2012 से मिलती है जिसमें एक एक्स हस्बैंड अपने फैमिली को सभी तबाही और एलियंस के खतरों से बचाता दिखता है, और इसके लिए वो कितने खतरे मोल लेता है ये देखकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। इस मूवी को भी IMDb पर 6.4 की रेटिंग मिली है जिसमें आपको अलग अलग तरह के डिजास्टर दुनिया में आते दिखेंगे। ब्रिजेस का गिरना, घरों का उजड़ना और जमीनों का फटना तो मूवी में एक आम बात लगेगी जब एलियंस इस दुनिया पर कब्जा करने उतरेंगे। मूवी में आपको एक बहुत शानदार सी स्टोरी भी देखने मिलती है जिसे आप आराम से बिना किसी बोरियत के देख सकेंगे। नंबर 2 द इम्पॉसिबल, ये मूवी इस लिस्ट की सबसे हाईएस्ट रेटिंग वाली मूवी है जिसे IMDb पर 7.6 की रेटिंग मिली है। हालांकि ये लिस्ट हमने डिस्ट्रक्शन लेवल को ध्यान में रखकर बनाई है इसलिए इस मूवी को सेकंड पोजीशन पर रखना पड़ा। ये मूवी थाईलैंड में घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कि 2004 में थाईलैंड में आई सुनामी के अराउंड रिवॉल्व करती है जिसने थाईलैंड को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। हजारों लोगों की जाने गई थी और काफी लोगों की लाशें तो आज तक मिली ही नहीं, वो बस यूं ही गायब हो गए। मूवी में भी आपको ऐसी सुनामी का मंजर देखने मिलेगा जो आपको अंदर से हिलाकर रख देगी, लेकिन मूवी की खास बात यह है कि मूवी सुनामी पर नहीं बल्कि सुनामी के बाद घायल और बचे हुए लोगों पर क्या बीतती है उसे ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसे देखते वक्त आपकी आंखों से आंसू कब बाहर आ जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। मूवी में लिटिल टॉम हॉलैंड की परफॉर्मेंस आपको हैरान कर देगी और साथ ही मूवी में लाशों और घायल लोगों को देखकर आपको थाईलैंड में मरे लोगों के लिए अफसोस भी होगा। एंड फाइनली इस लिस्ट की नंबर 1 मूवी 2012, ये मूवी रिलीज हुई थी 2009 में, एंड अगर आपको कोई मूवी कयामत के मंजर के थोड़ी भी करीब लेकर जाती है तो वो यही मूवी है। इस मूवी का IMDb पर 5.8 की रेटिंग मिली है जिसमें लिटरली आपको वो मंजर देखने मिलेगा जिसे आप बचपन से अपने दादा दादी से कयामत के बारे में सुनते आ रहे हैं। आसमान से आग का बरसना, जमीनों का फटना, सुनामी, बाढ़, तूफान और जो भी कोई नेचुरल डिजास्टर होता है वो सभी आपको इस एक सिंगल मूवी में देखने मिलेगा। मूवी की स्टोरी जैक्सन नाम के राइटर और उसकी फैमिली के अराउंड रिवॉल्व करती है जिन्हें जैक्सन इस कयामत से बचाता किसी सेफ जगह लेकर जाता दिखेगा। मूवी में आपको काफी खतरनाक मंजर देखने मिलेंगे जिसे देखकर आप दुआ करेंगे कि ऐसा आपके साथ कभी ना हो। वैसे तो आई नो आप सभी ने ये मूवी ऑलरेडी देख ही रखी होगी, बट स्टिल जिसने नहीं देखी उन्हें इस मास्टरपीस को जरूर से देखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये थी हमारी आज की टॉप 10 लिस्ट। वीडियो कैसी लगी और इसमें कौन सी मूवी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर करें, और इन मूवीज को डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर आप कहीं से भी नए आ गए हो तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाए बिना कहीं मत जाना, क्योंकि हम जल्द लौटेंगे एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।